Hello dear, welcome to this lecture. Second part of biological safety cabinet will be discussed in this lecture. In previous lecture, we see the biological safety cabinet. Biological safety cabinet provide protection to the laboratory worker, product and the environment. Then we see the aerosol particle. Aerosol particle क्या आते हैं, उसके बाद हमने HEPA filter के बारे में पढ़ा. तो lab के अंदर दो तरह के cabinet, safety cabinet use किए जाते हैं. First one is laminar flow hood. And the second one is biological safety cabinet. जो laminar flow hood जो है, उसकी two types होती हैं, horizontal and vertical. उसको हमने previous lecture के अंदर in detail discuss किया. और जो biological safety cabinet होते हैं, इसकी three types होती हैं. जो class one biological safety cabinet जो है, उसको हमने previous lecture के अंदर discuss किया था. जो class one biological safety cabinet होते हैं, उसके जो drawback था, वो ये था कि जो front opening से air workplace में enter हो रही थी, वो unsterilized थी. उस अनस्टीरिलाइज एयर की वजह से जो हमारी प्रोडक्ट होती है वो कंटेमिनेट हो जाती है. तो इसलिए जो हमारी प्रोडक्ट थी वो सेफ नहीं रहती, लेकिन जो हमारा इन्वायरमेंट और जो लेबोरेटरी वर्कर है वो सेफ रहता है. जो एयर वहां से एग्जॉस्ट हो रही है क्लास वन बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट के अंदर, वो डिकंटेमिनेट होने के बाद लेबोरेटरी इन्वायरमेंट के अंदर जाती है. तो इसलिए इन्वायरमेंट और जो वर्कर है वो सेफ रहते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो सेफ नहीं रहती. और जो जो क्लास टू बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट है, जिसको हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, ये हमें पर्सनल और लेबोरेटरी वर्कर और प्रोडक्ट और लेबोरेटरी जो इन्वायरमेंट है, इन तीनों को ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. जो क्लास टू बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू फोर क्लासेस. फोर क्लासेस मीन क्लास ए वन, क्लास टू ए वन, ए टू, बी वन एंड बी टू. फोर क्लासेस विल बी डिस्कस्ड इन दिस लेक्चर वन बाय वन. क्लास टू बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट आर आल्सो यूज्ड फॉर रिस्क टू, थ्री एंड फोर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जो रिस्क ग्रुप टू, थ्री और फोर के जो ऑर्गेनिज्म है उनको डील करने के लिए हम क्लास टू बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट यूज करते हैं. और इसके अंदर कोविड 19 भी आ जाता है. कोविड 19 को भी हम क्लास टू बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट के अंदर डील करते हैं. अब हम इसकी जो डिवीजन है, जो क्लास टू ए वन, ए टू, बी वन और बी टू है, वो किस बेस के ऊपर की गई है. फर्स्ट वन इज एयर इनटेक वेलोसिटी थ्रू द फ्रंट ओपनिंग. सेकेंड वन इज द अमाउंट ऑफ एयर रिसर्कुलेटेड ओवर द वर्क सर्फेस, इसको भी हम इन डिटेल देखेंगे. एंड द थर्ड वन इज अमाउंट ऑफ एयर एग्जॉस्ट फ्रॉम द कैबिनेट. And the fourth one is exhaust system and the last one is pressure arrangement. जिसकी बेस के ऊपर जो क्लास टू बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट है, इसको फोर क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया. अब हम सबसे पहले जो क्लास टू ए वन है, इसको हम डिस्कस करते हैं. और सबसे पहले हम इसके डायग्राम के ऊपर जाते हैं. तो डायग्राम के अंदर आपको नजर आ रहा है कि ये हमारा इसका फ्रंट व्यू है और ये इसका साइड व्यू है. साइड व्यू के अंदर जो ये जो सैश लगी हुई है, ग्लास है, ठीक है, और उसके बाद ये फ्रंट ओपनिंग है और यहाँ पे एक ग्रिल मौजूद होती है जिसको फ्रंट ग्रिल भी बोलते हैं. और इसके अलावा यहाँ पे एक ग्रिल मौजूद होती है जिसको रियर प्लेनम ग्रिल या रियर एग्जॉस्ट ग्रिल बोलते हैं. अब क्या होता है कि यहाँ से जो एयर है वो 0.38 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, स्पीड से वो एंटर होती है वर्क प्लेस की तरफ. और वो जो फ्रंट ग्रिल है, यहाँ से ये एग्जॉस्ट इसको सक कर लेता है. अब ये जो एयर है, एग्जॉस्ट जो ब्लोअर लगा होता है, ये इस ब्लोअर जो है इस एयर को प्लेनम के अंदर भेज देता है. अब ये प्लेनम से पास आउट होने के बाद जो स्पेस मौजूद होती है टू हीपा फिल्टर पेपर के दरमियान में, ये इसको वहां पे जाके उसको मूव करा देता है. अब यहां से 70% जो एयर है वो डाउन फ्लो करती है और 30% जो एयर है वो एग्जॉस्ट हो जाती है आफ्टर पासिंग थ्रू हीपा फिल्टर. यहाँ पे हीपा फिल्टर मौजूद होता है, इससे डिकंटेमिनेट होने के बाद जो क्लीन एयर है वो एनवायरनमेंट के अंदर या डक्ट के अंदर मूव कर जाती है. और 70% जो है आफ्टर पासिंग थ्रू हीपा फिल्टर डिकंटेमिनेटेड और क्लीन एयर एंटर इनटू द वर्क प्लेस, ये वर्क प्लेस की तरफ मूव कर जाती है. यहाँ पे हमारी प्रोडक्ट होती है जिसके ऊपर हम काम कर रहे होते हैं. अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट है, इससे जो एरोसोल पार्टिकल जनरेट होते हैं वो इस एयर के साथ जो मिक्स हो जाते हैं. अब ये जो कंटेमिनेटेड जो एयर है, जो ग्रिल मौजूद होती है, ये जो दोनों ग्रिल हमने डिस्कस किया, फ्रंट ग्रिल है और उसके बाद ये रियर प्लेनम ग्रिल है, इन दोनों से इमीडिएटली मूव कर जाते हैं टूवर्ड्स द ब्लोअर. ब्लोअर जो है इसको सक कर लेता और उसके बाद इस तरह से ये एयर रिसर्कुलेट करती है. अब यहां से
30% जो एयर है वो एग्जॉस्ट हो जाती है और इधर से 30% एयर जो है जो फ्रंट ओपनिंग से एंटर हो जाती है थ्रू फ्रंट ग्रिल इनटू द सर्कुलेशन। अब ये 30% एयर यहाँ से एंटर हो रही है ठीक है एनवायरनमेंट से और 70% जो एयर जो है 30% सॉरी एयर जो है वो एग्जॉस्ट हो रही है। ये बेसिकली इसका जो प्रोसीजर है इसके अंदर जो रिसर्कुलेशन ऑफ एयर है वो इसके अंदर मौजूद होती है। लेकिन क्लास वन बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट के अंदर जो एयर थी उसकी रिसर्कुलेशन नहीं थी। ये इसका क्लास वन और ए टू क्लास वन और क्लास टू का जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि क्लास टू के अंदर जो एयर की रिसर्कुलेशन होती है लेकिन क्लास वन के अंदर एयर की रिसर्कुलेशन नहीं होती। अब हम इसको देखते हैं कि सबसे पहले रूम एयर सप्लाई एयर है जो फ्रंट ओपनिंग से एंटर होती है और जो ग्रिल होती है उसके थ्रू ये कितनी वेलोसिटी के साथ 0.38 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ जो मूव करती है जो ब्लोअर की तरफ और ब्लोअर क्या करता है उस एयर को मूव करवा देता है प्लेनम के अंदर। प्लेनम से मूव होने के बाद जो स्पेस होती है वो एयर वहां पे मूव कर जाती है। वहां से 70% जो एयर डाउन फ्लो होती है उसमें से 50% एयर जो है जो हमारे फ्रंट ग्रिल था उसके थ्रू और 50% जो एयर है जो रियर प्लेनम ग्रिल थी उसके थ्रू जो ब्लोअर है उसकी तरफ ये मूव करते कर जाती है। और इसके बाद हमने इसको भी डिस्कस किया कि जो एरोसोल पार्टिकल जनरेट होते हैं जब हम वर्क कर रहे होते हैं और उसके ऊपर डाउन फ्लो जो एयर है वो आके उसके साथ कंटेमिनेट होती है तो इमीडिएटली वो मूव कर जाती है रियर एग्जॉस्ट ग्रिल और जो फ्रंट जो एग्जॉस्ट ग्रिल फ्रंट जो ग्रिल होती है और जो रियर प्लेनम ग्रिल होती है उसके थ्रू ये ब्लोअर की तरफ मूव कर जाते हैं। और इसमें 70% जो एयर है वो रिसर्कुलेट करती है और 30% एयर एग्जॉस्ट हो जाती है। और इसके ये कुछ फीचर्स हैं जो कंटेनमेंट एंड प्रोटेक्शन है। अगर हम इसको देखें तो इसके अंदर जो प्रोटेक्शन पार्टिकुलेट से ये प्रोवाइड करता है। और उसके बाद अगर हम गैसेस और वेपन्स की बात करें तो उस केस के अंदर पर्सनल प्रोडक्ट और इन्वायरमेंटल के जो ये प्रोटेक्शन है वो प्रोवाइड नहीं करता अगर हम केमिकल्स वगैरह के ऊपर काम कर रहे हैं। और उसके बाद इसके अंदर एयर फ्लो जो इसके फीचर्स हैं उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि 0.38 से लेकर 0.51 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ ये मूव करते हैं और 70% एयर रिसर्कुलेट करती है और 30% एयर जो है वो एग्जॉस्ट हो जाती है। और इसके अंदर जो प्लेनम मौजूद होती है उसके अंदर नेगेटिव प्रेशर होता है। जो एग्जॉस्ट सिस्टम होता है वो मौजूद भी हो सकता है और इसके अलावा जो वेंटेड आउटसाइड वो ऑप्शनल है। और इसके अलावा जो कनेक्शन टाइप है जो डक्ट सिस्टम है वो इसके अंदर कैनोपी होता है। अब हम देखते हैं क्लास टू ए टू के बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट। अब इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे फ्रंट ग्रिल है। ए वन और ए टू के अंदर इतना डिफरेंस नहीं है। इसके अंदर जो एयर की वेलोसिटी होती है वो 0.38 मीटर पर सेकंड होती है लेकिन जो क्लास टू ए वन था उसके अंदर जो एयर की वेलोसिटी वो 0.38 से लेकर 0.51 मीटर पर सेकंड होती है। और उसके बाद यहाँ से जो फ्रंट और जो रियर ग्रिल है इन दोनों से एयर मूव करती है प्लेनम के अंदर और प्लेनम से मूव होने के बाद ये एयर जाती है ब्लोअर के पास। ब्लोअर जो है इस एयर को ब्लो करता है इनटू द स्पेस दैट इज प्रेजेंट बिटवीन टू हीपा फिल्टर। वन हीपा फिल्टर इज प्रेजेंट ओवर द सर्फेस ऑफ वर्क प्लेस। जो वर्क प्लेस है इसकी ऊपर वाली जो टॉप है उसके ऊपर ये हीपा फिल्टर मौजूद होता है। ये एयर जो स्पेस के अंदर मौजूद है जो 70% एयर जो है इस हीपा फिल्टर से फिल्टर होने के बाद वर्क प्लेस की तरफ मूव कर जाती है और जो 30% जो एयर है वो जो एग्जॉस्ट सिस्टम होता है उसके अंदर हीपा फिल्टर इंस्टॉल होता है। ये उसमें डिकंटेमिनेट होने के बाद जो क्लीन एयर है वो या तो एनवायरमेंट की तरफ मूव कर जाएगी या फिर जो डक्ट सिस्टम बिल्डिंग जो का जो एग्जॉस्ट सिस्टम होता है डक्ट सिस्टम के थ्रू उसकी तरफ मूव कर जाएगी। वहां पे हीपा फिल्टर मौजूद होगा वहां पे फिल्टर होने के बाद ये एनवायरमेंट में मूव कर जाएगी। ये इसके कुछ फीचर्स हैं और क्लास टू ए वन और ए टू के अंदर इतना डिफरेंस नहीं है। और इसमें जस्ट डिफरेंस ये है कि उसके अंदर जो वेलोसिटी थी इनफ्लो एयर की वो मिनिमम जो थी वो 0.38 थी और इसके अंदर जो मिनिमम जो इनफ्लो एयर वेलोसिटी है वो 0.5 मीटर पर सेकंड है और बाकी के सारे फीचर्स सेम है। उसके अंदर ये था कि जो कंटेनमेंट एंड प्रोटेक्शन की बात करें तो प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम पार्टिकुलेट्स यस। जो क्लास टू ए वन था वो भी हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता था। और उसके बाद प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम वेपर्स एंड गैसेस
इन एडजंक्ट टू माइक्रोबायोलॉजिकल। अब इसके अंदर जो है अगर हमारे पास कोई भी माइक्रोबायोलॉजिकल सैंपल है उसे कोई गैसेस या वेपर्स जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उससे ये हमें पर्सनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अगर तो एग्जॉस्ट सिस्टम मौजूद है कि एयर जो है वो एनवायरनमेंट लैब का जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर नहीं रहती, रूम के अंदर नहीं रहती, तो फिर ये हमें पर्सनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। अगर तो एयर जो है वो रिसर्कुलेट, क्योंकि इसके अंदर 70% जो एयर है वो रिसर्कुलेट होती है लेकिन आफ्टर पासिंग थ्रू द हिपा फिल्टर, जो ये प्रोडक्ट को ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करेगा। उसकी रीजन क्या होती है कि एयर रिसर्कुलेट होती है, 70% जो एयर है वो रिसर्कुलेट होती है इसलिए उसको नहीं प्रोवाइड करेगा, और जो इन्वायरमेंटल है उसको ये प्रोवाइड करेगा अगर तो एग्जॉस्ट सिस्टम मौजूद है। पर्सनल और इन्वायरमेंटल जो है उसको ये तभी प्रोवाइड करेगा अगर वहां पे एग्जॉस्ट सिस्टम मौजूद हो, और जो एयर है आफ्टर पासिंग थ्रू हिपा फिल्टर दैट इज प्रेजेंट इन द एग्जॉस्ट, जो एग्जॉस्ट के अंदर जो हिपा फिल्टर मौजूद होता है अगर उससे पास होने के बाद वो एग्जॉस्ट सिस्टम के अंदर चले जाए, कोई भी डक्ट सिस्टम है उसके थ्रू ये जो हमारी बिल्डिंग का जो एग्जॉस्ट सिस्टम होता है वहां पे जाए, वहां पे फिल्टर होने के बाद ये एनवायरमेंट के अंदर चली जाए, तो यहाँ पे जो एयर है वो रूम के अंदर ना रहे। तो इस तरह से ये जो पर्सनल प्रोटेक्शन है ये वो तो प्रोवाइड कर सकता है और इन्वायरमेंटल भी। उसके बाद हम देखते हैं क्लास 2B1 बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट। इसकी जो डायग्राम है इसके अंदर आप देखें कि सेम उसी तरह ही है, इसके अंदर ये फ्रंट ओपनिंग है, यहाँ से एयर एंटर हो रही है, इनफ्लो एयर है, और इसके बाद इनफ्लो एयर जो है क्लास 2A1 और A2 के अंदर जो एयर थी ब्लोअर के पास जो जा रही थी वो कंटेमिनेटेड थी। अब यहाँ पे जो ब्लोअर के पास एयर जा रही है वो कंटेमिनेटेड नहीं है, क्योंकि वो एयर जो है पहले फिल्टर पेपर से पास आउट होती है, पास होने के बाद वो ब्लोअर के पास जाती है, ब्लोअर जो होता है फिर उस एयर को पास करवाता है थ्रू प्लैनम इनटू द स्पेस दैट इज प्रेजेंट बिटवीन टू हिपा फिल्टर। वन हिपा फिल्टर इज इंस्टॉल्ड इनटू द एग्जॉस्ट सिस्टम एंड द अदर हिपा फिल्टर इज प्रेजेंट ओवर द सर्फेस ओवर द टॉप सर्फेस ऑफ द वर्क प्लेस, जो वर्क प्लेस की जो टॉप सर्फेस है वहां पे मौजूद होता है, और जो दूसरा हिपा फिल्टर है वो एग्जॉस्ट सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होता है। अब जो एयर प्लैनम से पास आउट होने के बाद कहाँ गई, जो हमारी स्पेस होती है वहां पे चली जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो एयर है कुछ एयर डाउनफ्लो कर जाती है, कुछ एग्जॉस्ट हो जाती है, और जो डाउनफ्लो करती है उसमें से अगेन वही कि जो रियर प्लैनम ग्रिल होती है और फ्रंट ग्रिल होती है, यहां से अगेन ये जो कंटेमिनेटेड एयर है, कंटेमिनेटेड जो एयर है वो हिपा फिल्टर से पास आउट होने के बाद ब्लोअर के पास जाती है, फिर इस तरह से एयर की रिसर्कुलेशन होती रहती है। ये भी बेसिकली क्लास 2 टाइप B1 की डायग्राम है, इसके अंदर भी वही है कि यहाँ पे जो एयर है वो इंटर हो रही है, ये फ्रंट ग्रिल है, ये रियर प्लैनम ग्रिल है, यहाँ से पास होने के बाद यहाँ पे ये फिल्टर पेपर लगा हुआ, फिल्टर से ये फिल्टर होने के बाद जो कंटेमिनेटेड एयर है वो ब्लोअर के पास जाती है, ब्लोअर जो है इस एयर को प्लैनम के थ्रू मूव करवाता है स्पेस के अंदर, स्पेस से जो एयर है वो अगेन डाउन फ्लो करती है और कुछ एयर जो है वो एग्जॉस्ट हो जाती है। अब ये इसके कुछ फीचर्स है, अगर हम कंटेनमेंट एंड प्रोटेक्शन की बात करें, प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम पार्टिकुलेट्स, यस ये प्रोवाइड करता है, और उसके बाद प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम वेपर्स एंड गैसेस इन एडजंक्ट टू द माइक्रोबायोलॉजिकल, पर्सनल यस ये पर्सनल जो है उसको प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, प्रोडक्ट जो एनवायरमेंटल है उसके लिए जो एक्सपोजर है वो रिड्यूस हो जाता है। उसके अलावा हम एयर फ्लो की बात करें तो इसके अंदर जो मिनिमम जो एयर की जो वेलोसिटी है वो 0.5 मीटर पर सेकंड होती है, और जो रिसर्कुलेटेड एयर है वो 30% होती है, जबकि हमने इसको क्लास 2A1 और A2 के अंदर इसको हमने जब डिस्कस किया तो जो रिसर्कुलेटेड जो एयर थी वो 70% थी, लेकिन क्लास 2B1 के अंदर ये 30% है, और जो एग्जॉस्टेड एयर है वो 70% है, लेकिन क्लास 2A1 और A2 के अंदर यही एयर जो है वो 30% थी, यानी कि A1 और A2 के अंदर जो एयर एग्जॉस्ट हो रही थी वो 70% थी, और जो डाउनफ्लो हो रही थी जो वर्क प्लेस की तरफ मूव कर रही थी वो 70% थी, यहाँ पे वो 30% है। ये जो क्लास 2A1 A2 का क्लास 2B1 के साथ मेजर जो डिफरेंस है वो यही है। और उसके अलावा
इसके अंदर हार्ड डक्ट सिस्टम इंस्टॉल होता है। इसका मतलब यह है कि जो हमारे पास जो बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट है क्लास 2B1, इसके साथ जो एग्जास्ट एयर हो रही है वो रूम के अंदर मूव नहीं कर रही, वो मूव के जो रूम है उसके अंदर ये एंटर नहीं हो रही, बल्कि ये आउटसाइड द एनवायरमेंट मूव कर रही है। अब हम देखते हैं क्लास 2B2 बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट। इसकी जो डायग्राम है इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये रूम से जो एयर एंटर हो रही है आफ्टर पासिंग थ्रू फिल्टर पेपर हिपा फिल्टर, ये हिपा फिल्टर से जो क्लीन एयर है वो ब्लोअर की तरफ मूव कर रही है। ब्लोअर क्या करता है, इस एयर को मूव कराता है अगेन हिपा फिल्टर के ऊपर। तो अब यहाँ पे जो एयर है वो दो दफा हिपा फिल्टर से पास आउट हो रही है। पास आउट होने के बाद क्या होता है कि ये एयर जो है वर्क प्लेस की तरफ मूव कर जाती है। वर्क प्लेस के अंदर अगेन वही के जो ये फ्रंट ओपनिंग है यहाँ पे, इसके जो फ्रंट ग्रिल होती है यहाँ पे रियर प्लैनम ग्रिल होती है। अब इन दोनों से जो एयर है और जो रूम से एयर एंटर हो रही है, जो फ्रंट ओपनिंग से एयर एंटर हो रही है वो भी जो यूजर की तरफ से एयर आ रही है, और जो जो हमारा जो वर्क प्लेस है वहां से जो उसकी जो ग्रिल मौजूद होती है उनसे जो एयर आ रही है, ये सारी की सारी ब्लोअर जो है इसको सक कर लेता है। अब यहाँ पे हम प्रोडक्ट है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं उससे क्या होता है कि एरोसोल पार्टिकल जनरेट होते हैं, उसको ये इमीडिएटली सक कर लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है, और उस एयर को अगेन जो हिपा फिल्टर यहाँ पे मौजूद होता है उससे ये पास आउट होने के बाद ये जो क्लीन और डिकंटेमिनेटेड एयर जो है वो एग्जॉस्ट सिस्टम के थ्रू पास आउट हो जाती है। तो ये जो क्लास 2B2 जो हमारे पास बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट है उसका, और इसके अंदर जो इसके जो इसके जो डिफरेंट फीचर्स हैं ये सेम ही है जिस तरह हमारे पास क्लास 2B1 है। B1 और B2 के अंदर जस्ट डिफरेंस इतना है कि वहां पे जो रिसर्कुलेटेड एयर थी वो 30% थी और यहाँ पे 0% है, और एग्जॉस्टेड जो एयर है वो हमारे पास 100% है क्लास 2B2 के अंदर, और जो क्लास 2B1 था वहां पे जो रिसर्कुलेटेड एयर थी वो 30% थी और एग्जॉस्ट एयर 70% थी। अब यहाँ पे जो रिसर्कुलेटेड एयर है वो 0% है और जो एग्जॉस्टेड एयर है वो 100% है। तो ये मेजर डिफरेंस है क्लास 2 और B2 का। इस तरह हमने अब जो 4 क्लासेस हैं क्लास 2 बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट की उसको हमने इन डिटेल विद डायग्राम डिस्कस किया, और इसके अंदर जो क्लास 2 A1 A2 है वो सिमिलर है टू इच अदर एंड सेम विद क्लास 2 B1 और B2। अब हम चलते हैं क्लास 3 बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट की तरफ। जो क्लास 3 बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट है ये हाईएस्ट लेवल ऑफ पर्सनल प्रोटेक्शन एंड इज यूज्ड फॉर रिस्क ग्रुप 4 एजेंट्स। ये जो कहले के जो पर्सनल जो प्रोटेक्शन है ये हाईएस्ट लेवल की जो पर्सनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, और इसके अलावा जो रिस्क ग्रुप 4 के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है लाइक एबोला वायरस है, इसके लिए हम क्लास 3 बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट यूज करते हैं। ये टोटली सील्ड होता है और गैस टाइट होता है, और इसके अंदर 100% जो एयर है वो जो एनवायरमेंट से आ रही होती है, रूम से आ रही होती है, और 100% एयर ही एग्जॉस्ट हो रही होती है। इसके अंदर क्लास 3 बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट के अंदर एयर जो है वो रिसर्कुलेट नहीं करती, और जो कैबिनेट का जो इंटीरियर है जो वर्क प्लेस है उसके अंदर जो प्रेशर एयर का तो वो नेगेटिव प्रेशर होता है। और इसके अलावा इसके अंदर हैवी ड्यूटी जो रबर ग्लव्स होते हैं जो इसका जो सैश होता है उसके साथ ये अटैच होते हैं, और डबल डोर ऑटोक्लेव होता है इसके अंदर, और इसके अलावा जो मल्टीपल जो है ग्लाव बॉक्सेस होते हैं जो जॉइंट टुगेदर टू एक्सटेंड द वर्क सरफेस, और क्लास 3 बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट आर सूटेबल फॉर वर्क इन बायोसेफ्टी लेवल 3 और 4 लेबोरेटरीज। BSL 3 और 4 के अंदर इसको यूज किया जा सकता है। अब हम इसको डायग्राम से देखते हैं कि ये इसकी फ्रंट ओपनिंग है, ये वर्क प्लेस है, और इसके अलावा ये जो अगर हम इसको फ्रंट व्यू से देखें तो यहाँ पे ये ग्लव्स पोर्ट लगे हुए, ये 4 पोर्ट यहाँ पे मौजूद है, और ये टोटली सील्ड है, ठीक है, और इसके साथ ऑटोक्लेव अटैच है, यहाँ पे हिपा फिल्टर इंस्टॉल है, और यहाँ से एयर जो है जो वर्क प्लेस है उसकी तरफ एंटर हो रही है आफ्टर पासिंग थ्रू द हिपा फिल्टर। जो डिकंटेमिनेटेड एयर है वो यहाँ पे वर्क प्लेस के अंदर एंटर हो रही है, और उसके बाद ये सारी की सारी जो एयर है 100% जो एयर है
यहाँ पे सर्कुलेट होने के बाद जो दूसरी साइड पे एग्जॉस्ट सिस्टम मौजूद होता है, जहां पे डबल जो हिपा फिल्टर इंस्टॉल होते हैं, यहां से जो जो एयर है वो पास आउट होने के बाद एग्जॉस्ट सिस्टम के थ्रू डक्ट सिस्टम के अंदर चली जाती है और डक्ट सिस्टम से आगे एनवायरमेंट के अंदर चली जाती है। तो इस तरह जो है, और इसकी जो सेकंड डायग्राम है इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये ग्लव्स पोर्ट है, ठीक है, और इसके साथ आटोक्लेव अटैच होता है और इसका जो फ्रंट है ये सारा सील होता है, ठीक है, गैस टाइट होता है। अगर कोई भी इसको हम यूज करने से पहले क्या करते हैं कि इसको हम ओपन करते हैं, इसके यहाँ पे स्क्रू लगे होते हैं, यहाँ से हम इसको ओपन करते हैं, हमारे पास जो भी जो मटेरियल है या प्रोडक्ट है जिसके ऊपर हम काम करना चाहते हैं हम उसको अंदर रख लेते हैं, और बाकी भी जितनी चीजें हमें चाहिए होती हैं जो हमने ड्यूरिंग जो वर्क हमने उसको यूज करना था वो सारी की सारी इस जो वर्क प्लेस है उसके ऊपर हम रख के और इसको अगेन इसको सील कर देते हैं। और उसके बाद हम अगर ड्यूरिंग वर्किंग अगर आपको कोई भी चीज चाहिए तो उसका जो प्रोसीजर है वो ये होता है कि ये ऑटोक्लेव इसके साथ अटैच होता है, इसके डबल डोर होता है, एक डोर फ्रंट की तरफ होता है और एक डोर जो है इसका इनसाइड द कैबिनेट मौजूद होता है। अब कोई भी चीज अगर आपको चाहिए या वहां से अंदर से अगर आप इसको निकालना चाहते हैं तो उसका तरीका यही होता है कि सबसे पहले आप इस डोर को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद अपनी जो भी ऑब्जेक्ट है जो भी मटीरियल है आप उसको इसके अंदर रख के उसको ऑटोक्लेव करेंगे। ऑटोक्लेव करने के बाद अब आपने इस डोर को ओपन नहीं करना, अब इसके जो इनसाइड द कैबिनेट जो डोर मौजूद है उसको ओपन करेंगे, ये जो ग्लव्स पोर्ट्स है इसके थ्रू आप उस जो जो भी हमारा मटेरियल है उसको हम पिक करेंगे और उसको हम यूज करेंगे। और यही तरीका हुआ कि अगर कोई चीज आपके वर्क कैबिनेट के अंदर मौजूद है अगर आप उसको वहां से निकालना चाहते हैं तो उसको जो इनसाइड द कैबिनेट जो डोर मौजूद है आप उसको ओपन करके उस चीज को ऑटोक्लेव के अंदर रखेंगे और उसके बाद उसको स्टेरिलाइज करेंगे, स्टेरिलाइज करने के बाद उस ऑब्जेक्ट को आप बाहर निकाल सकते हैं। तो ये जो क्लास 3 बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट है उसके बाद हम इसके जो फीचर्स हैं उनको डिस्कस करते हैं कि क्लास 3 जो बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट है इसके अंदर जो जो एयर की जो वेलोसिटी है वो नहीं होती, वो एप्लीकेबल नहीं है, और जो रीसर्कुलेटेड एयर है वो 0% है, इसके अंदर जो एयर है वो रीसर्कुलेट नहीं होती। और थर्ड नंबर पे जो एग्जॉस्टेड एयर है वो 100% है, कि 100% एयर जो है वो एनवायरनमेंट से आ रही है और 100% एयर ही एनवायरनमेंट से की तरफ मूव कर रही है। और इसके अंदर भी हार्ड डक्ट होता है, इट मींस के जो एयर एग्जॉस्ट सिस्टम से पास आउट हो रही है वो पास आउट होने के बाद रूम के अंदर नहीं रहती बल्कि जो हमारी बिल्डिंग का जो एग्जॉस्ट सिस्टम है उसके थ्रू जो है ये पास आउट हो जाती है एनवायरनमेंट के अंदर। तो ये क्लास 3 बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट था। अब हमने क्लास 2 और क्लास 3 बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट को इन डिटेल विद डायग्राम हमने डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, गुड बाय।